नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमेठी में सुबह 11 बजे तक 27% वोटिंग। मतदान के बाद भाजपा प्रत्याशी स्मृति ने दिया बयान। अमेठी संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने मेदन मेवई राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने SPN इंका में मतदान किया। जिले में सुबह 11 बजे तक 27.12% मतदान हुआ। बूथ पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह बरकरार है। मतदाताओं का कहना है कि लोकतंत्र का यह महापर्व है, इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करना चाहिए। गौरीगंज के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बने बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइन लग गई है। यहाँ पर मतदान करने के बाद बाहर निकले शिव कुमार का कहना था कि मतदान ही वह अधिकार है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि लोकतंत्र के असली भाग्य विधाता हम हैं। बुजुर्ग अमीना बेगम का कहना है कि सभी को मतदान करना चाहिए, हमने भी मतदान किया। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है, हर कोई मतदान के उल्लास में डूबा नजर आ रहा है। अमेठी में मतदान के बाद स्मृति ईरानी का बयान। वोट करने के बाद भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं सभी से अपील करती हूं कि आप मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हम सब इसके सहभागी बने। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि विकसित भारत के संकल्प के साथ एवं गरीब कल्याण व महिला शक्ति को समर्पित गरीब एक नेता और एक राष्ट्रभक्त को मैंने अपना मत दिया है। अभिलाषी हूँ कि जनता भी अपना आशीर्वाद देगी। राजनेता अंतिम पल तक साधते रहे समीकरण। चुनाव प्रचार बंद होने व मतदान से पहले तक सियासी समीकरण साधने की जद्दोजहद रविवार को पूरे दिन होती रही। दलों के रणनीतिकार दफ्तरों में बैठकर तैयारी में जुटे रहे। क्षेत्रवार बूथवार रिपोर्ट तैयार कराने के साथ ही सोशल मीडिया पर पार्टी प्रत्याशी के साथ ही अन्य नेताओं ने कमान संभाल दी रखी। चुनाव प्रचार थमने के बाद ही वह मौका होता है जिसमें माहौल करवट लेता है। ऐसे में नेताओं, प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने माहौल बनाए रखने और दूसरों का खेल बिगाड़ने की पूरी ताकत लगा दी। अमेठी में भी ऐसा कुछ ही चलता रहा। चुनाव प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार और कार्यकर्ता क्षेत्र में सक्रिय हो गए। शनिवार आधी रात और रविवार को पूरे दिन यही सिलसिला चला। इसके लिए किसी ने फोन का सहारा लिया तो किसी ने सोशल मीडिया को माध्यम बनाया। रसूखदार और समाज में अपनी पकड़ रखने वालों के पास नेताओं के फोन घनघनाते रहे। कहीं पर कोई मतदान सूची को खंगालने के साथ अपने परंपरागत वोट बैंक को मतदान स्थल पर पहुंचाने की रणनीति तैयार करता दिखा तो कहीं समीकरण तय करने की कवायद चलती रही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।